फिलिप श्रियांग महोदय, एमडीसी भवरंजन रियांग, शैलेंद्र दा उपस्थित रहे, गौतम राय दार सभापति आज के सभा संगठित होच्छे, विपिन देवबर्मा काजल दास जिला सभापति सह मंच उपस्थित अन्य अतिथिरा, आईपीएफटी एवं त्रिपुरा मथा दलेर भारतीय जनता पार्टी अन्य नेतृत्व उपस्थित गसिराम पाड़ा जरा सभा शुनार जो एखे उपस्थित हैं प्रत्येक के आंतरिक भावे अभिनंदन जाना जतना कुलंका सबाई के नमस्कार। मोदी जी नरंगी बुकरंग मा सांगमो खामाई खाइमा, हम लोग जानते हैं आज आपके पास जो आया है 26 अप्रैल को हमारा चुनाव होगा पूर्व आसन में। हमारा जो कैंडिडेट है वो है त्रिपुरा राज परिवार की कन्या, महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य की नातनी महारानी कृति देवी देववर्मा, वो हमारा कैंडिडेट है। और हम लोग जानते हैं अगर इनको जिता के हम लोग दिल्ली में भेजेंगे तो ये रियांग हो, जनजाति हो, बंगाली हो, सबके लिए जो समस्या का समाधान वो कृति देवी हम लोगों को लाने समर्थता करेंगे। इसीलिए हम लोगों को 26 अप्रैल यही भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट पर कमल निशान पे हम लोगों को वोट डालना है, ये बात बोलने के लिए आपके पास आया था। मैं सुन रहा था, मैं तो ज्यादा रियांग आपसे बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिलिप और प्रेम कुमार रियांग जी जो बात बोल रहे थे थोड़ा थोड़ा समझ में मैं आ रहा कि मोदी जी की गारंटी आज त्रिपुरा में रियांग शरणार्थी 23 साल से ये मिजोरम से आके त्रिपुरा में बसा था, आपका दुख दूर करने के लिए सीपीएम 25 साल राज किया। लेकिन मैं बोलता हूं आप लोगों को, आपको ये जो आज त्रिपुरा में परमानेंट रेसिडेंट का त्रिपुरा में स्थायी रूप से बसने का जो अधिकार दिया गया है वो सीपीएम 25 साल राज किया और इनका दोस्त कांग्रेस दिल्ली में राज किया, लेकिन आपका दुख का आंसू मोचने के लिए पहुंचने के लिए कोई नहीं आगे आया। 2018 में हमारा सरकार बनने के बाद बीजेपी आईपीएफटी सरकार बनने के बाद आपकी दुख दुर्दशा को दूर करने के लिए मोदी जी ने आप लोगों को जो आपका जो अधिकार है, आपके कलंक आपके माथे में जो कलर था, आप रियांग शरणार्थी है। जब मिजोरम में वोट होता था हम लोग भी आते थे, आप लोगों को बाई कार इधर से बहुत दूर ले जाना पड़ता था, लेकिन त्रिपुरा में रहते थे, त्रिपुरा में वोट डालने का अधिकार आपको नहीं था। यह अगर किया है तो मोदी जी ने किया है, तो मैं चाहता हूं 26 तारीख जब वोट डालने जाएंगे मोदी जी के पक्ष में और कमल निशान में वोट लगा के आप लोग हमारा कीर्ति देवी देववर्मा को जीता के लाएंगे, ये मेरा विश्वास। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब भी बैठे हुए हैं, आप लोगों से बातचीत करेगा। मोदी जी है तो मुमकिन है, त्रिपुरा में मोदी जी आने के बाद नेशनल हाईवे गरीब लोगों को पक्का मकान देने का, गरीब लोगों के पास जो बुजुर्ग है इन लोगों को जो बीमारी होगा इसका जो इलाज के लिए मोदी जी गारंटी लेने वाला है, महिला हो युवा हो सबका गारंटी मोदी जी ले रहा है। हम लोग जानते हैं जो त्रिपुरा में हम लोगों को प्लास हुआ है,
पहले आईपीएफ की बीजेपी का सरकार था, 2018 से त्रिपुरा में आईपीएफ के साथ बीजेपी के साथ गठबंधन है, सरकार में भी है, और त्रिपुरा में ऑपोजिशन में था हमारा भूभद्रा का पार्टी तीव्र मथा भी, आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की साथ मिलके एक त्रिपुरा को एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने का काम प्रयास हम लोग निश्चित लिया है। मैं जानता हूं कि रियांग शरणार्थी हो या रियांग जनजाति हो या दूसरी समूह की जनजाति हो, पहाड़ी हो, बंगाली हो, त्रिपुरा में हम लोग एक साथ मिलकर काम करना है और त्रिपुरा को आगे ले जाना है, इसीलिए कमल निशान में वोट डालना है। मैं जानता हूं कि आपकी कुछ समस्या है, आप लोगों को कुछ चाहना है, लेकिन वो पूरा करेगा जब बीजेपी आप लोगों के साथ में है। सेंट्रल में मोदी जी और त्रिपुरा में हमारा डॉक्टर मानिक शाह जी की नेतृत्व में सरकार आप लोगों को दुख कष्ट जो होगा वो संकट मोचन करेगा, हमारा माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी। इसीलिए मैं बोलता हूँ 26 तारीख जब वोट डालने जाएंगे तो आप लोगों को याद रखना है जे कमल निशान में आप लोगों को वोट डालना है। आज समस्या हो सकता है, किंतु समस्या का समाधान हमारा भाजपा आईपीएफटी और तीव्रमता एक साथ मिलके ये गोसीराम हो, कंचनपुर हो, सब जगहों का समस्या समाधान करने के लिए हम लोग एक साथ मिलके काम करेंगे। दोस्तों, हमारा मुख्यमंत्री बैठा है इधर, मोदी जी ने 5 लाख रुपया का जो बीमार होगा उन लोगों को इलाज के लिए 5 लाख रुपया का मोदी जी गारंटी लिया है आयुष्मान कार्ड जरिए, लेकिन त्रिपुरा में आयुष्मान कार्ड इतना नहीं मिला, क्योंकि 2011 में त्रिपुरा में के सीपीएम का सरकार थी और सीपीएम ने चुन चुन के बीपीएल कार्ड दिया है। किसको मिला है? इस एरिया का जो नेता है, इस एरिया का जो लीडर है, इन लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला, लेकिन आम जनता है जो गरीब है इन लोगों को सीपीएम ने नहीं दिया। हमारा सीएम ने महसूस किया कि नहीं, ये त्रिपुरा में ऐसे चलेगा नहीं। हमारा सीएम ने बड़ा दिल होकर बोला है नहीं, हम त्रिपुरा में जो है जाति जनजाति गरीब मिडिल क्लास फैमिली आम जनता कृषक सभी के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना चालू किया, जो बीमार व्यक्ति है इनका इलाज के लिए 5 लाख रुपया तक जो इलाज में खर्चा होगा हमारा सीएम साहब वो खर्चा देने वाला है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। ऐसे कहीं सोचना सुना है? सारे विश्व में है क्या? सारे देश भर में नहीं है? जो त्रिपुरा में ये डबल इंजिन सरकार ने ये काम करने का प्रयास किया है। आपकी रियांग की जो मकान बनाएगा इन लोगों को 2.5 लाख रुपया, बीजेपी की प्रेम कुमार ना 2.5 लाख रुपया ना 2.5 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया वो घर बनाने के लिए हमारा केंद्रीय सरकार मोदी सरकार ने दिया है। तो इसीलिए दोस्तों, और जो सीपीएम क्या किया है, मैंने सुना है आज से 2-3 दिन पहले जो सीपीएम का कैंडिडेट है वो भी रियांग है, वो आया था इधर में, 30-40 लोग था, क्या बोल के गया है, क्या बोल के गया है, वो करेगा अटेंड करेगा अटेंड करेगा। अरे 25 साल में राज किया त्रिपुरा में, अभी गरीब जनता के लिए क्या किया वो तो बताना चाहिए। कुछ नहीं किया, गरीब को कैसे गरीब बनाएगा वो प्रयास कम्युनिस्ट लोगों ने किया है। इसीलिए मैं बोलता हूं आप लोग, इन लोगों को सबक सिखाना है। आज कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन है और ये त्रिपुरा में जाति जनजाति हो किसी के लिए
वो गरीब के लिए कोई काम नहीं करेगा, जनजाति के लिए काम नहीं करेगा। हमारा प्रयास है, हमारा सरकार का प्रयास है कि जनजाति एरिया में डेवलपमेंट हो। हमारा सीएम भी बोलता है कि जनजाति की विकास होने में त्रिपुरा की विकास होगा, ये मानते हुए हमारा सीएम आगे बढ़ के काम कर रहा है जनजाति एरियाओं में। अब जनजाति एरिया में रोड हो, कनेक्टिविटी हो, पानी की समस्या हो, और जो स्टूडेंट है इन लोगों को अच्छा शिक्षा मिले, और ये प्रयास प्रायोरिटी के साथ हमारा सीएम साहब ने काम किया है और मुहिम उठाया है। दोस्तों, मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि सीएम साहब भी बैठे हुए हैं, आप लोग सीएम साहब से सुनना चाहते हैं। मैं इतना ही कहता हूं, जो करेगा आज एक साथ हम लोग हुए हैं। मैं बोलता हूं छोड़िए इन लोगों को, भूल चुकाइए इन लोगों को, सबक सिखाइए। ये कांग्रेस कम्युनिस्ट को सबक सिखाना समय हो गया है। आपके पास वो पावर है, वो पावर 26 अप्रैल आप लोगों को दिखाना है। एकजुट होके आईपीएफपी डिप्लोमाता बीजेपी एक साथ मिलके हम लोग ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस लोगों को धूल चटाएंगे, सबक सिखाएंगे। 26 अप्रैल पद्म चिन्ह में हम लोग मोहर लगाएंगे और कृति देवी देवबर्मा को हम दिल्ली भेजेंगे। मोदी जी से जो हमारा समस्या है वो समाधान के लिए बात करेगा। सबको मेरे ओर से फिर से मैं सबको नमस्कार करते हुए मेरा बात को यह समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, आईपीएफटी जिंदाबाद, त्रिपुरा माता जिंदाबाद।